खोल ली सर। हाँ बेटा देखो, मैंने केस लिया है ये वाला, द वुमन अर्थ स्टार। ओ सेकंड, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। आ रही बेटा। अब देखो, अब दिख रही हाँ अब दिख रही है, दिख रही है। है? ठीक है। अ वुमन स्टार्ट फ्रॉम हर होम। एक 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 लेडी है, वो अपने घर से चलती है सुबह 9 बजे। ठीक है, वो सुबह 9 बजे चलती है और 5 की स्पीड से चलती है। उसकी स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर। किलोमीटर तो वो लेडी 5 किलोमीटर की स्पीड से चलती है एक स्ट्रेट रोड पे। और उसका जो ऑफिस है, स्ट्रेट रोड का मतलब समझ रहे हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। बेटा चीजें ध्यान दो सारे बच्चे, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है स्ट्रेट रोड। किस क्या लिखा है? स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड पे चलती है 2.5 किलोमीटर। ठीक है, और अपने ऑफिस जाती है और वहां पर ही रहती है 5 बजे तक। 5 बजे तक उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। फिर वो वापस आती है तेज स्पीड में, 25 किलोमीटर पर आर की स्पीड में। ठीक है, अब यहां पर मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं जो जो क्वेश्चन में दी थी। सुबह 9 बजे उसका जाना चालू होता है और जाने की स्पीड कितनी है? घर से ऑफिस उसकी स्पीड होती है 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है? 2.5 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। किसी को दिक्कत? निम्रत बात समझ आई? सर एक सेकेंड। हाँ ठीक है सर। एक लेडी अपने घर से 5 किलोमीटर की स्पीड से चली, 2.5 किलोमीटर दूर उसका ऑफिस है, उसे वहां जाना है। तो जब वो वहां पहुंचेगी तो उसको आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, सुबह 9 बजे चली थी, 9:30 बजे पहुंच जाएगी। ठीक है, यस फिर सर। वो लेडी 5 बजे वहीं पे ही रही, 5 बजे तक शाम को। और 5 बजे वो वहां से चलती है, लेकिन उसकी स्पीड बदल चुकी है। ऑफिस टू यस होम सर। वापिस आते वक्त उसकी स्पीड देख कितनी है? मैंने वीडियो शाम दे दिया, 25 किलोमीटर पर। उसने कोई स्कूटर वगैरह कर लिया और वो घर जल्दी आ रही है। ठीक है, डिस्टेंस यस चेंज सर। नहीं हुआ है, उसी पाथ को फॉलो कर रही हो। ठीक है बेटा, यस तो आते वक्त टाइम कितना है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यस सर। 1/10। 1/10 आवर, 1/10 घंटे। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 6 मिनट लगेंगे वापस आने में उसको। यस सर। अब मेरी बात समझ, वो कहता है इसका ग्राफ बनाओ। चूज सुटेबल स्केल एंड प्लॉट द एक्स वाई ग्राफ। ठीक, यस सर। अब जरा ध्यान दो। अब एक ग्राफ बना रहे हैं हम, ये रहा। अब ये तो 0 है ओरिजिन, लेकिन वो तो 9 बजे चली थी। अब मैं 9 बजे को क्या दिखाऊं भाई? 9 AM है ना, तो आप ये कह सकते हो यहाँ एक ये एक जिगजैग बना दो। ठीक है, इसका मतलब जो बीच का टाइम है वो हमने दिखाया नहीं। किंग सर। हाँ ठीक, अब वो चल दी अपने घर से 9 बजे और सही 9:30 बजे पहुंच जाएगी वो। साढ़े 9 बजे पहुंच जाएगी ऑफिस। आधे घंटे में पीछे हमने अभी कैलकुलेशन से पता लगाया है, ये उसका ऑफिस 2.5 किलोमीटर दूर है। 1 2 3 4 5, चलो 2.5 किलोमीटर आप इसको मान लो। निम्रत ठीक है? ये बोल बेटा, सर वो 6 कहाँ गया? वो कौन6 मिनट वाला सिक्स? जो था वो। अच्छा अभी अपने आएगा ये आएगा उसमें करा है। आएगा आएगा, अच्छा अभी तो ओके ऑफिस सर। पहुंची है। अब ऑफिस पहुंचने के बाद वो ऑफिस ही रहेगी बहुत देर तक, 5 बजे तक। कब तक रहेगी ऑफिस?
पांच ये ऑफिस था और घर और ऑफिस के बीच में डिस्टेंस कितना था 2.5 किलोमीटर ठीक यस सर तो ये 2.5 है ठीक है और ये जो ये है ना तेरा वाई एक्सिस ये वाई एक्सिस डिस्टेंस है या आप डिस्प्लेसमेंट जो कहना चाहो और ये किलोमीटर में ऐसी स्केलिंग की जाती है ठीक और नीचे टाइम है एक्स एक्सिस पे ठीक और अब ये 6 मिनट में वापस आ गई कितनी देर में आ गई 6 मिनट में ये लो अब ये 6 मिनट और थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा बेटा मेरा है एग्जैक्ट वैसा नहीं बन पाया था जो बनना चाहिए समझ जाओगे ना 5:06 ये ग्राफ है किसी को कोई दिक्कत स्ट्रेट लाइन का मतलब स्पीड जीरो ठीक है बोलो यस सर यहां तक बात ठीक है बेटा हाँ सर अब अगला क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है अ ड्रंक कैट वॉकिंग इन अ नैरो लेन भाई एक शराबी है जो एक नैरो लेन पे चल रहा है नैरो लेन मतलब वहां पर वो अकेला ही चल सकता है कोई लंबी चौड़ी लेन नहीं है ठीक है टेक 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड एक तो इस चीज को समझो वो 5 कदम आगे चलता है और 3 कदम पीछे ठीक ठीक है फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड वो फिर से 5 स्टेप आगे चलता है और 3 स्टेप पीछे तो ये बार-बार करता रहता है ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्ड 1 सेकंड बनाओ फिर से एक्सटी ग्राफ और हमें पता है 13 मीटर के बाद एक गड्ढा है जहां पर वो गिर जाएगा डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंक कैट टेक टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे 13 मीटर पे गड्ढा है ना बेटा अब सारे बच्चे ध्यान देंगे पहले तो मैं 13 मीटर का डिस्टेंस ले लूंगा एक ठीक है और एक चीज को देखो उसने क्या कहा है शराबी 1 मीटर एक स्टेप में चलता है और वो हर बार 1 सेकंड लगाता है ठीक है निम्रत यस देख रही है यस सर शराबी फौजी है बिल्कुल नपातुला चलता है यस सर और यहां पर इस डिस्टेंस को और देखो सारे बच्चे ये देख बेटा अब मैं 13 मीटर बनाने की कोशिश कर रहा हूं जरा ध्यान देना थोड़ा ग्राफ ना लंबा बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही हुए तो और बड़ा बना लेते हैं 10, 11, 12, 13 ठीक है 13 पे तो गिर जाएगा 13 तक ही बनाना है उनको ठीक है बच्चों 13 पटक देंगे हम इसको सर 13 मीटर हाँ जी 13 मीटर ओके कौन बोला सर सार्थक अब मेरी बात सुन जो ये हमने पूरा बनाया ना पाथ इसके अंदर यहाँ पे मैं कैलिब्रेशन कर रहा हूँ वो 1, 2, 3, 4, 5 वाली वो हर बार ना 3 स्टेप 5 स्टेप आगे चलता है 3 स्टेप पीछे ठीक है तो मैं इसी को बनाऊंगा ठीक है सर देखो 1
दो तीन चार, मुझे पांच में काम है, पांच पांच मीटर चलता है वो, हर एक सेकंड में एक मीटर चलता है, ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है सर। तो वो पांच मीटर चला पांच सेकंड में, अब वो तीन वापिस आता है, अब बच्चा क्या सोचेगा, वापिस आता है मतलब इसी लाइन पे वापिस आता है, नहीं 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 नहीं, वो यहाँ आता है, टाइम थोड़ी वापिस आया, गौरी स्टेप्स पीछे आया। हाँ सर समझ गई। वो बेटा टाइम में थोड़ी वापिस आ सकता है, टाइम तो ले रहा है ना, टाइम तो ले रहा है ना, तो पांच और तीन टाइम तो आठ सेकंड हो गए। हाँ बात समझ आई निम्रत? हाँ यस सर। आठ सेकंड वाली बात समझ आई तेरे को? यस सर। लेकिन आठ सेकंड में चला तो दो मीटर ही, अब वो फिर चलेगा पांच सेंटीमीटर, समझ रहे बेटा? यस सर। अब यही सेट वो फिर दोबारा चलेगा, कंसेप्ट बनाओ, फिर पांच सेंटीमीटर चलेगा, चलेगा और तीन तीन मीटर वापस आएगा, फिर पांच सेंटीमीटर चलेगा और तीन मीटर वापस आएगा, हमारा कागज ही खत्म हो गया। अरे राम, अंशुल अब फिर से यहाँ पर अगला स्टेप चलेगा वो सेम पांच और तीन। हाँ सर। कब तक चलता हाँ। रहेगा ये? जब तक 13 मीटर तक नहीं पहुंच जाता। 13 मीटर तक नहीं पहुंच जाता, लेकिन एक बात सुनो, आ गया 13 मीटर, अब सारे बच्चे ध्यान देंगे 13 मीटर पर, देखो ये पहुंचा, फिर वापस तीन स्टेप ले। देख 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 तू बता अब सर, एक अब, और अब, बार अब, बीच में रुक जा रुक जा रुक जा, अब अंशुल ही बोलेगा, पुराने बच्चे नहीं बोलेंगे क्योंकि पुराने बच्चों ने तो फिर भी एक बारी को कर रखा है क्वेश्चन। अंशुल हाँ सर। मेरी बात सुन, ये पांच मीटर पे आया, फिर दोबारा दो मीटर पे गया, ठीक है, फिर ये सात मीटर पे आया, आया फिर ये दोबारा नीचे उतरा और चार मीटर पे पहुंचा, कहाँ पहुंचा? चार मीटर। फिर वो चार और पांच कितने होते, नौ पे पहुंचा। हाँ। फिर वो वापस गिरा हाँ। छह पे, छह और पांच 11 पे पहुंचा, फिर वो गिरा कहां पे, आठ पे हाँ। अब आठ पे पहुंचने के बाद आठ से आठ पांच 13 पे गया, बता हाँ। अब 13 से वापस आएगा? नहीं। गड्ढे में से कोई वापस आता है? नहीं। तो ये वाला हिस्सा नहीं बनेगा ग्राफ का, यहाँ बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, वो आगे वाला ग्राफ का हिस्सा भी बना देते हैं। गौरी ये बात समझ आई? हाँ सर। क्या? कि 13 पे आते ही गड्ढे में गिर जाएगा। और क्या समझ आया इस क्वेश्चन में आपको? रिवर्स ही नहीं जा पाएगा। नहीं, दारू नहीं पीनी चाहिए। ठीक है हाँ। छोड़ देगी सर, मैं थोड़ी ना ड्रिंक करती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं पूछ रहा था, मतलब ऐसे मैंने कहीं करती हूँ तो पता चल जाएगा ना, एकदम से स्पॉन्टेनियसली पूछेंगे तेरे से। क्यों सर? देख हाँ कोई और बोला, देखो सर इस क्वेश्चन को करने का कोई अलजेब्रिक तरीका है? हाँ क्या दिक्कत है, बताता हूँ जल्दी। पहले देख, 8 सेकंड में यहाँ आया, 16 सेकंड में यहाँ आया, फिर यहाँ पर 24 सेकंड में, और यहाँ पे 24 और 8 कितने होते हैं, 32, 35, 37। तो इसने 37 सेकंड लिए, 37 सेकंड में 37 मीटर चला, जिसमें 37 स्टेप थे, अब बता, ठीक? एक मीटर का एक स्टेप होगा, ठीक है? सारे बच्चे ध्यान देंगे, एक जेट प्लेन है जो ट्रेवल कर रहा है 500 की स्पीड से, ठीक है? वो प्रोड्यूस करता है कंबस्शन 1500 की स्पीड से, ठीक है बेटा? रिलेटिव टू जेट प्लेन,
तो ये जो 1500 है ना बेटा, ये रिलेटिव स्पीड है। 1500 क्या है बोलो? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड किसकी? जेट प्लेन की। जेट प्लेन की किसके रिस्पेक्ट में? रिलेटिव तो दो चीजों के बीच में होता है। कंबस्शन की रिस्पेक्ट में। कंबस्शन, कंबस्शन जो वो धुआं, हाँ जो धुआं छोड़ रहा है ना जेट प्लेन, ये जेट प्लेन ना यहां से धुआं छोड़ रहा है। अरे सारा धुआं सीधा बन गया। तो ये और ये दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ कंबस्शन। बोलो बोलो बेटा, ठीक है गलत है? ठीक है। अब देख बेटा, तेरे को वेलोसिटी ऑफ जेट और वेलोसिटी ऑफ कंबस्शन दिखाई दे रहा है? हाँ। और इनके बीच में रिलेशन? हाँ सर, वो आगे जा रहा। हाँ, एक तो उसने कहा वेलोसिटी ऑफ जेट दे रखी है मुझे 500 क्वेश्चन में, 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और एक उसने कहा है वेलोसिटी कंबस्शन की नहीं दी, रिलेशन की दी है, रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ अब आया ना, कंबस्शन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जेट वो कितनी है? 1500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? बोलो। हाँ ठीक है। बाकी सब बच्चों को समझ आया? Yes, sir. ये मैं नेगेटिव ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं कंबस्शन की रिलेटिवली निकाल रहा हूं ना बेटा। अच्छा एक बात बताओ, फिर वही वाली बात, अगर मैं ये नंबर सिस्टम के हिसाब से देखता हूं तो कौन सी चीज नेगेटिव जा रही है, जेट या कंबस्शन? कंबस्शन। तो ये नेगेटिव लेना ठीक है या गलत है? ठीक है। अब तुम फिर से फॉर्मूला लगाना जरा, वेलोसिटी कंबस्शन और जेट की, वेलोसिटी ऑफ कंबस्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट, क्या आएगा आंसर? कंबस्शन की कितनी थी? नहीं पता, निकालनी है हमारे को। और जेट की कितनी है? 500। जेट की कितनी है? 500। अब अगर आप इसको उठा के उधर ले जाओगे तो वेलोसिटी ऑफ कंबस्शन कितनी हो जाएगी? -1000। आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब तू एक बात बोल सकती है कि भैया जो कंबस्शन है वो नेगेटिव है। कंबस्शन नेगेटिव है मतलब कंबस्शन हमेशा जेट से उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। सही बात है गलत बात है? सही बात है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख क्या कहता है। अ कार मूविंग अलोंग स्ट्रेट हाईवे। अंशुल। हाँ सर। एक गाड़ी है जो एक स्ट्रेट हाईवे पे चल रही है, उसकी स्पीड है 126 किलोमीटर पर आवर, इज ब्रॉट टू स्टॉप विद इन 200 मीटर। वो 2 मीटर पे जाके रुकती है। व्हाट इज द रिटार्डेशन? 200 मीटर। हाँ, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ कार? पहली बात तो ये, उसने क्वेश्चन में ये बता दिया कि गाड़ी रुकेगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी दे दी 126, चाहो तो इसको 5/18 से करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। मुझे आसान दिख रहा था, मैंने कर दिया, साथ पे जा रहे हैं, ठीक है? 18 से 126 होता है ना? हाँ 18 8 44, ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, आपका एक्सेलरेशन कितना है बेटा वो पता लगाना है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव आना चाहिए। डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर। क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हो? बोलो, आ जाएगा एक्सेलरेशन? हाँ सर आ जाएगा। खत्म कहानी, ठीक है? सातवां, आठवां और नौवां, ये तीनों ही क्वेश्चन बने हैं बेटा, एक बारी बुक पे आ जाओ, ध्यान दे बेटा। कहता है पुलिस की वैन है जो मूव कर रही है हाईवे पे 30 की स्पीड से, ठीक है? एक बुलेट आती है
वो बुलेट मारती है थीफ की कार को, थीफ की कार 192 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है, लेकिन बुलेट की खुद की स्पीड कितनी है 150, तो बताओ कि क्या बुलेट थीफ की कार को हिट करेगी? इधर आ जाओ, देखो भाई सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये रही थीफ की कार, ठीक है, स्पीड कितनी है 192, और ये है हमारी पुलिस की वैन, ठीक है, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब मैंने जब से कहा कि पुलिस की वैन एक स्पीड से चल रही है, थीप की कार एक स्पीड से चल रही है, और पुलिस की वैन में जो गन है उसके अंदर जो बुलेट है वो भी एक स्पीड से चल रही है, ठीक है, ये बुलेट ही नहीं मारी हमारे से तो गन, चलो ऐसे बना लेते हैं, काम चलाना है, यहां से बुलेट निकलेगी बेटा, उसकी भी अपनी स्पीड है, तो तू यूं कह सकते है कि भैया वेलोसिटी बुलेट की मुझे पता है 192 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड, गलत बता रहा हूं, मीटर पर सेकंड 150 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ठीक है, 150 मीटर पर सेकंड बुलेट की स्पीड है, वैन की पुलिस वैन टी लिख दिया मैंने, वेलोसिटी ऑफ पुलिस की वैन किलोमीटर पर आवर, बहुत कम है, अगर इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेगी बेटा तो स्पीड देखिए कितनी आएगी, करना कोई बच्चा कैलकुलेट, और थीफ्स कार की कितनी आएगी बेटा 192 5/80, ठीक है, बोल, ठीक है, अगर मैं इस वाली सॉल्व करता हूं तो ये 8 तो दिख रहा है मेरे को यहां पर 8.3 मान लो अप्रोक्स लिया मैंने, तुम सॉल्व कर नहीं रहे हो, और इस वाली को देखो yes, तो 8.33 है, 8.33 है, अब यहाँ पे जाएगा तो 19 और ये 8 पे जा रहा है और ये आधे पे जा रहा है, तो ये तुम्हारा 180 10 पे तो जा ही रहा है, फिर बचता है 3, हाँ तो कितना आ रहा है तुम्हारा, ये कितनी आ रही बेटा दूसरी वाली थीप्स का 10, मुझे 50 से 55 के बीच में लग रही है, देखियो कर रहा हूँ सर, सर 53.33, यस सर 53.333, बेटा कोई भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करो, मैं भी नहीं करता, अब देखो अब आपको बताना है बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, एक तो 150 उसकी खुद की है लेकिन उसमें गाड़ी की भी तो जुड़ गई बेटा, है ना, यस सर, और वेलोसिटी कितनी है थीफ्स कार की, बता क्या 53.33, चोर की गाड़ी तेज चल रही है या बुलेट तेज चल रही है, सर बुलेट, तो फिर हिट तो करेगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट With respect to thieves car, क्या निकलेगी बुलेट और थीफ का 158.3 - 53.33, ठीक है, 105 की स्पीड दिखाई दे रही है आपको, इस स्पीड से तो हिट करेगी, ठीक है, पुलिस की वैन से निकली हुई गोली की स्पीड बहुत तेज है जबकि थीफ कार बहुत तेज है लेकिन बुलेट की स्पीड बहुत तेज है इसलिए हिट कर देगी, ठीक है, ठीक है सर, अभी भी बेटा आपके एक क्वेश्चन है, उसमें कहता है दो ट्रेन है, दोनों की अपनी लेंथ है 400 मीटर की, कितने मीटर की 400, ठीक है 400 मीटर तो ये ट्रेन की लेंथ है, वो मूव करती है दो पैरेलल ट्रैक्स पे एक यूनिफॉर्म स्पीड से, हम कहते हैं 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन विद ए अहेड ऑफ बी, जिसमें ए आगे है बी से, ठीक है, ड्राइवर जो है ए का वो डिसाइड करता है ओवरटेक करने को ए को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, हां जी सर, आफ्टर 50 सेकंड 50 सेकंड के बाद
अगर ये केस हो जाता है, सिनेरियो ये हो जाता है कि जो गार्ड है ना बी का, वो बिल्कुल पास करके गया ड्राइवर ए को, तो व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मैं ये पूरा केस यहाँ पे आपको नीचे बना के दिखा रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ये दो रेलवे ट्रैक है, दिखाई दे रहे हैं दो रेलवे ट्रैक। हाँ जी सर। रेलवे ट्रैक पे दो ट्रेन चल रही है, जिसमें ए आगे है बी से। बेटा माइक बंद कर दे, पीछे शोर आ रहा है। देखो भाई, यहाँ ए और बी के बीच में डिस्टेंस है, ये दो ट्रेन है। यस सर। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों ट्रेन के बीच में डिस्टेंस है, वो फिक्स है, वो है आपका एक्स। वो क्वेश्चन में हमें पता लगाना है कि एक्स कितना है, यही क्वेश्चन है तुम्हारा, पता लगाओ कि एक्स कितना है। और हमें गिवन क्या क्या है, एक तो दी हुई है ट्रेन की लेंथ, क्या दी है ट्रेन की लेंथ 400 मीटर, ठीक। हाँ जी सर। दूसरा, दोनों की दोनों इनिशियल एक स्पीड से चल रही हैं, दोनों की एक इनिशियल स्पीड है, सेम है ना, वो है 72। अच्छा, अगर दोनों की ही स्पीड सेम है तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो जीरो हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। आसान है। हाँ जी सर। यस सर। यहाँ पे आपको अगर रिलेटिव स्पीड निकालनी हो बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वो आएगी 72 - 72, दैट इज जीरो। यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट, कहता है 50 सेकंड के बाद। 50 सेकंड के बाद कुछ ऐसा होता है कि ये वाली ट्रेन का जो ड्राइवर है, ड्राइवर आगे बैठा होता है, ये बात तो ठीक है ना, ड्राइवर आगे बैठा होता है। हाँ जी सर। जो ड्राइवर बैठा हुआ है ना तुम्हारा आगे इस वाली ट्रेन में, वो बिल्कुल इस सिचुएशन में आ जाता है कि पीछे बैठे गार्ड, ट्रेन बी में जो गार्ड है, गार्ड पीछे बैठा होता है, उसके बिल्कुल सामने आ जाता है, ठीक है। तो वो कहता है इसका मतलब है ये पूरी की पूरी ट्रेन इसको पास कर चुकी है, इसका मतलब जो पीछे थी ट्रेन उसने एक्सलरेट करा होगा अपने आप को, ए से आगे बढ़ने के लिए बी ने एक्सलरेट करा होगा। तो वो कहता है एक्सलरेशन भी मैं आपको देता हूं 1 मीटर पर सेकेंड। इस वाले का एक्सलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड। हाँ, यू आ चुका आपका, ठीक है। ए दे रखा आपको, 50 सेकंड हुई है इन सब में। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक्स निकालना है, कितना आया एक्स, 1250। कितना आया, 1250। अच्छा, ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो उन्होंने कवर किया। दूसरी चीज पे ध्यान दो, अगर वो पूछ कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 1250 में से वो लेंथ तो माइनस कर दो ना जो ट्रेन की खुद की है। ये वाला स्टेप फिर से समझाना एक बार, ये वाला बिल्कुल लास्ट वाला। यस सर। बेटा उसने कहा है कि ट्रेन की खुद की भी अपनी एक लेंथ है 400 मीटर, ये 400 मीटर, तो वो इनके बीच में डिस्टेंस नहीं माना जाएगा ना, अगर मैं यहां से देखूं, लेकिन इनके सेंटर से देखूं तो वो माना जाएगा। तो इसके दोनों आंसर सही है। कुछ टीचर इसको सही करते हैं, वैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1250, और कुछ टीचर 850 को ठीक करते हैं, ठीक ठीक है। चलो, अब एक तो ये क्वेश्चन हुआ, a two lane road car, A is traveling with 36 किलोमीटर पर आर। भैया दो लेन रोड है, दो लेन का मतलब जहां से सिर्फ दो ही गाड़ियां जा सकती है, ये टू लेन रोड है,
यहाँ सीधी सीधी सिर्फ दो ही गाड़ियां जा सकती हैं, ठीक है। अब वो कहता है भैया एक गाड़ी आ रही है यहां से, कौन सी गाड़ी है भैया? तीन गाड़ियां दी इसने, ए बी सी। है टू लेन रोड पे कार ए ट्रेवल करे 36 किलोमीटर से, टू कार बी एंड सी अप्रोच कार ए। अब इस ए कार को ना दो गाड़ियां अप्रोच कर रही है, एक बी है और एक सी है। सर अप्रोच मतलब उसकी तरफ आ रही है, ठीक है, उसकी तरफ आ रही है, ठीक है। अब जरा देखिए दो गाड़ियां इसकी तरफ आ रही है, दोनों की दोनों गाड़ियों की डायरेक्शन देख कैसी है, ए की तरफ, तो ए को अप्रोच कर रही है। Yes, sir. A बीच में, अब B कहाँ है, C कहाँ है, हमें नहीं पता, क्योंकि उसने ये तो नहीं बोला ना A पीछे से आ रही है, B पीछे से आ रही है, कौन से आ रही है, देखेंगे। Two car B and C approach A in opposite direction with 54 किलोमीटर, ठीक है, इसकी स्पीड है 54, इसकी भी स्पीड है 54, ठीक है। जो बीच वाली कार है उसके 36, मुझे दिखाई दे रहा है आसान है तो 5/18 करके ना इनको, इसको कर दो 10 मीटर पर सेकंड, इसको 15, इसको 15, ठीक ठीक है। अब बेटा मैं तेरे से कहता हूं कि ए और अब अभी तक इसने नहीं बताया कौन सी, बी डिसाइड टू ओवरटेक। अब जरा ध्यान दे, बी ने डिसाइड किया ओवरटेक करने को, तो ओवरटेक तो पीछे से ही होता है। यस सर। तो बी है पीछे भैया, बी है, ये सी है। अब बी ने डिसाइड किया कि मैं ना ओवरटेक करूं इससे पहले कि सी सामने आ जाए, क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड 54 है और अगर सामने आ गए तो टक्कर हो जाएगी। तो बी ने डिसाइड किया ओवरटेक करने को ए को सी के आने से पहले, एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए। तो बताओ वो किस एक्सेलरेशन से करे ऐसा, और इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, कब इसने डिसाइड किया था, जब ए बी इक्वल हो ए सी के। इस वाली लाइन को देखते हैं, एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, दोनों के दोनों एक किलोमीटर है। अब देख बेटा निम्रत, ये है ए बी, ठीक, और ये है ए सी, ठीक है, ये दोनों एक किलोमीटर है। एक किलोमीटर को 1000 मीटर लिख दूं, बोलो बच्चों। हाँ जी सर। यस सर। तो हाँ, तो यहाँ से जो मेरे पास कंसेप्ट आया, क्या कोई कुछ बोला है? सर कन्वर्ट। अब यहाँ से जो मेरे पास आया, अब मैं रिलेटिव स्पीड देखूंगा दोनों की, क्या देखूंगा? रिलेटिव स्पीड। मेरे पास क्या क्या चीजें, मेरे पास है वी ए, वी बी, वी सी। VA है 10 मीटर पर सेकेंड, VB और VC है 15-15 मीटर पर सेकेंड। सारे बच्चे ध्यान दो, जिस डायरेक्शन में A चल रहा है उसी डायरेक्शन में B चल रहा है, C ऑपोजिट डायरेक्शन में। यस सर। तो C तो नेगेटिव होना चाहिए, ये मैंने सिखाया था आपको नंबर लाइन के हिसाब से। यस सर। अब इन दो, अब इन तीनों वेलोसिटी से अगर मैं वी ए बी निकालू, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वो आएगी 15-10, और वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगी? 15-10-25। और यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन टू ए। ये बात ठीक है? यस सर। अब भैया एक चीज बताओ, आप चाहते हो टक्कर से पहले पहले निकल जाए, इन दोनों की टक्कर हो इससे पहले ये निकल जाए, तो मुझे ये पता करना पड़ेगा ना टक्कर कितनी देर में होगी, टाइम, क्या पता करना पड़ेगा? टाइम। अब तुम ये लिख सकते हो बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है? वेलोसिटी कितनी है? 25।
अब तुम कहोगे माइनस क्यों नहीं लिया, नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया, टाइम नेगेटिव में नहीं निकालना ना मेरे को, और टाइम कितना है, टाइम जानते हो आप, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी होता है, बोलो बच्चों। यस सर। तो 40 सेकंड आ जाएगा, 40 सेकंड में टक्कर हो जाएगी, उससे पहले पहले निकलना है। तो अगर मैं बी और ए की बात करूं, वहां पे भी डिस्टेंस 1000 मीटर है, रिलेटिव वेलोसिटी बी ए की रिस्पेक्ट में 5 है, ठीक है, बोल बेटा। ठीक है सर। डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, टाइम भी है, अब तो मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं इस फॉर्मूले से। बोलो एक बात, ठीक है? ठीक है सर। एस क्या है मेरे पास? 1000। यू हैव 5, टाइम है 40 सेकंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन पता नहीं, टाइम फिर से 40 सेकंड, ठीक है? तो 1000 में से ये, अच्छा ये दोनों मिलके 200 बन जाएंगे, हाफ ए 1600, लो आ गया। एक्सेलरेशन आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर वो एक्सेलरेट करे तो वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अ टू टाउन ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस विद अ बस लीविंग इन ईदर डायरेक्शन इन टी टाइम। अब जरा ध्यान दो भाई, दो टाउन है, यह टाउन ए, यह टाउन बी, ठीक है, ठीक है। अब जो दो टाउन ए और बी है ना, उनके बीच में एक रेगुलर बस सर्विस है, और उनके बीच का डिस्टेंस सीधा है, मतलब जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस डी है इनके बीच का, और टाइम इनको बस को टी टाइम लगता है, बस को कितना टाइम लगता है, टी टाइम, ठीक है सर। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होती है, जब घूम के वापस आ जाए, ऐसे ए से गया था और इस पे वापस आ जाए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो। अच्छा सर, ठीक। अब जरा ध्यान दो, तो मैंने कहा भाई यहाँ पे टाइम बता दिया, डी बता दिया, दो टाउन है रेगुलर बस सर्विस से जुड़े हुए हैं, और वहां पर एक साइक्लिस्ट साइकिल चलाता हुआ जा रहा है इन डायरेक्शन ए टू बी, ए से बी की तरफ एक साइक्लिस्ट जा रहा है, भाई साइक्लिस्ट देखता है कि जो बस की सर्विस है वो किस किस टाइम पे आती है, साइक्लिस्ट की वेलोसिटी दे रखी है आपको 20 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं सर। वो नोटिस करता है ए से बी की तरफ एक बस जाती है, ए से बी की तरफ एक बस जाती है, और बी से ए की तरफ एक बस जाती है, ए से बी की तरफ यानी कि उसके पीछे से एक बस जो आती है वो आती है 18 मिनट में, हर 18 मिनट में बस आती है, और सामने से हर 6 मिनट में बस आती है, ठीक सर। किसके पीछे से, मान लो ये साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट ना इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ए तो इसके पीछे रह गया, बी इसके आगे है, तो जो बस पीछे से आती है, पीछे से जो बस आती है वो हर 18 मिनट में आती है, और जो सामने से बस आती है वो हर 6 मिनट में आती है, ठीक है। ठीक है सर। मान ले तू साइकिल चला रही है, तो तूने ऑब्जर्व किया था तेरे पीछे से जो बस आई वो आई 18 मिनट में, और जो तेरे सामने से आएगी ना बस वो 6 मिनट में आएगी, ये बात ठीक है। ठीक है। तो वो कहता है व्हाट इज द पीरियड टी ऑफ बस सर्विस एंड विद व्हाट स्पीड डू द बसेस फ्लाई ऑन द रोड, भाई किस स्पीड से बसेस आ जा रही हैं, ठीक है भाई हम निकाल लेंगे। पहले तो हम ये पता लगाएं कि ये क्या है, ये रिलेटिव टाइम है बेटा, तो रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब मैं यहां पर मान के चलता हूं कि मान लो बस की सर्विस, बस की स्पीड
बी वी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बस कितनी है वी बी, और वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट कितनी है वी सी, और वो जो VC है वो कितना है, वो दिया हुआ है हमें 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा, ठीक है। अब मैं फिर से कहता हूं कि डिस्टेंस जो है यहां पर D कॉमन है, ठीक है, और डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब मैं एक रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहा हूं, जरा उस पर ध्यान दे, बस और साइक्लिस्ट के बीच में क्या रिलेटिव वेलोसिटी है, बस और साइक्लिस्ट के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो अलग अलग आएगी, एक पीछे से आ रही है एक आगे से आ रही है ना, यस सर। तो एक तो आएगी बेटा, एक काम करो आप ना वेलोसिटी ऑफ बस को वी लिख लो और इनको पॉइंट बना लो, जब ए यानी कि तेरे साइक्लिस्ट के पीछे से आ रही है, ए से सी, जब बस पीछे से आ रही है बस एंड डायरेक्शन ऑफ साइक्लिस्ट इज सेम, ठीक है, तो क्या होगा, अगर बस और साइक्लिस्ट की डायरेक्शन सेम हुई ना तो वेलोसिटी माइनस होगी, ठीक, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। वी है वेलोसिटी ऑफ बस सर, हाँ इसके अंदर ऐड क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि बस की जो स्पीड है वो ज्यादा है साइकिल से, तो उसका क्या लेना देना है, किसी की स्पीड ज्यादा होगी तो ऐड हो जाएगी, भाई बस जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में साइक्लिस्ट आ रहा है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वेलोसिटी सबट्रैक्ट होगी, तो भाई एक तो ये केस हुआ, और एक ये हो सकता है कि सामने से आ रही हो, बोलो ये बात ठीक है, तो ऐड होगा सामने से जब आ रही होगी, एक बात सुनो मैंने आपको एक रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था ना, जब वो सामने से आ रही होगी तो यहाँ माइनस नहीं लग जाएगा, v माइनस ऑपोजिट होने की वजह से, बोलो अब डिस्टेंस यहां पे कॉमन है, क्या कॉमन, हमारे पास कॉमन चीज क्या है, हमारे पास कॉमन है डिस्टेंस d, क्या कॉमन है, और रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से टाइम दे रखा है हमें, तो क्या आप कह सकते हो जो डिस्टेंस d है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, बच्चों जब यस सर साइक्लिस्ट की सेम डायरेक्शन में यानी कि उसके पीछे से बस आ रही थी तो उसको टाइम लगता था 18 मिनट, कितना मिनट, 18 मिनट, और जब सामने से आती थी तो लगते थे 6 मिनट, ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ बस तो दिखाई दे रही है मेरे को आती है, देखो इसको हम काट सकते हैं 3 पे, बोलो यस सर काट सकते हैं, ठीक है, तो
तीन बी माइनस तीन बी सी, और बी सी की वेलोसिटी याद है साइक्लिस्ट की 20 थी। तो यहां पर आ गया भाई आपका बस की वेलोसिटी। हाँ, बस की वेलोसिटी कितनी आई 3v माइनस v इज इक्वल्स टू बी सी प्लस 3vc। और भी हो गए और ये 2v, 4 मल्टीप्लाई में क्या bc कितना था 20, ठीक है तो 40 दिख रही है बेटा मेरे को यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड, 40 किलोमीटर पर आ, मैंने स्पीड चेंज नहीं करी अभी तक किसी की भी, ठीक है ओके ओके। अब मैं आगे चलता हूँ, इसके बाद बारी आती है 40 किसकी स्पीड थी बेटा बस की, अगर मैं इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, बस की इक्वेशन यही वाली में पुट कर दूं तो मुझे टाइम चाहिए, यहां से डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस है b माइनस बी सी इंटू सिक्स, बी है 40 और बी सी कितना है 20 और 6 मिनट अभी तक है, जो डिस्टेंस की वो आएगी ना बेटा यूनिट उसको मत चेंज करना, 20 किलोमीटर पर आ और मिनट अभी चल रहा है, कुछ नहीं कर सकता मैं उसका, ठीक है सर। हाँ जी, आपने जो पीछे टाइम लिया था वो मिनट्स में था। हाँ वो कट गया ना, दोनों तरफ मिनट से मिनट कट गए, दोनों की यूनिट ही कट गई, मिनट से मिनट कट गया, मैंने इसलिए चेंज नहीं करा जिससे टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है कैलकुलेशन में। हाँ अब यहाँ देख, यहाँ 6 दिया हुआ है, बोलो सिक्स में ऐड था बेटा, प्लस का साइन था, ऐड करना था इसको, और 60 किलोमीटर, 60 कितना हो जाता है 360। हाँ अच्छा, किलोमीटर पर आवर तो स्पीड है इसकी और मल्टीप्लाई में मिनट चल रहा है, उसको चलने दो अपने आप आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसने पूछा था टाइम कितना है, क्या पूछा था टाइम, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, डिस्टेंस है 360 है डिस्टेंस, और मुझे वेलोसिटी से डिवाइड करना है बस की, बोल तो बेटा किलोमीटर पर आवर में पड़ जाएगा ना, हाँ मिनट में आ जाएगा टाइम, नो मिनट 9 मिनट। अब कोई बच्चा क्या भैया मैं तो ना पहले या मैम ने स्कूल में कहा है सारा का सारा पहले मिनट में कन्वर्ट करो, वो कुछ नहीं कैलकुलेशन बड़ी कर देगा आप, जब यूनिट सीधा सीधा कट रही हो ना रिलेटिव वेलोसिटी में ये फायदा होता है कि आपकी यूनिट जनरली सीधा कट जाती है, तो यूनिट जब कट रही हो तो उसको चेंज मत करो, याद रहेगा यस सर, स्कूल में मैम कुछ कहे तो बात मान लेना। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है आपको एक फिगर दिए 3.21, इस फिगर के अंदर हमें एक ग्राफ मिला है, क्या मिला है इस ग्राफ के अंदर दो हिस्से हैं, एक तो ये जीरो से पहले, जीरो से पहले और एक ये जीरो के बाद, दिख रहे हैं दो कर यस सर, जीरो से पहले स्ट्रेट लाइन था और जीरो के बाद इसने कर्व बनाया, वो कह रहा है क्या आप इस फिगर को देख के कह सकते हो जो XT प्लॉट है वन डायमेंशनल ग्राफ, इसको देख के आप कह सकते हो इज इट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट द पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन बिफोर जीरो, नहीं ये ग्राफ है पाथ नहीं, ठीक है ये ग्राफ है पाथ नहीं, और ग्राफ का मतलब मैंने क्या बताया था कंपैरिजन, डिस्टेंस और टाइम का कंपैरिजन है, इसमें आप ये कह सकते हो कि पहले उसकी स्पीड जीरो थी
और उसके बाद उसकी स्पीड एक्सेलरेट कर गई, ठीक है। इफ नॉट सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ। अब कोई ऐसा बताएगा भाई ये कैसे हो सकता है कि किसी की चीज की स्पीड तेज हो गई हो एक साथ एकदम से, कोई फिजिकल कॉन्टेक्स्ट तुम्हारे दिमाग में आ रहा है भाई? जीरो से पहले ये रुका हुआ था। रॉकेट ये रॉकेट ही आएगा तेरे दिमाग में सर, उसकी एकदम से स्पीड बहुत तेज हो जाती है, अरे रेस्ट पे होता है वो। अच्छा और किसी के दिमाग में कुछ और आ रहा है? स्पोर्ट्स कार सर, बुलेट सर, एरोप्लेन। सारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर, इस हिस्से में स्पीड क्या थी? जीरो। स्पीड क्या थी? जीरो। और जीरो आने तक इनिशियल स्पीड जीरो ही रही, लेकिन इसके बाद इसकी एक फाइनल स्पीड है, फाइनल स्पीड है और एक एक्सेलरेशन भी लगा है। क्या लगा है? एक्सेलरेशन। तो क्या तुम इसको फ्री फॉल कह सकते हो जब कोई चीज इधर गिरती है? एक एग्जांपल है, है ना। अभी एक बच्चे ने कहा कि भैया मैं इसको कार का एग्जांपल दे सकता हूँ, बिल्कुल सही है कार का एग्जांपल जिसने दिया। एक कार रुकी हुई खड़ी है, जैसे ही मैंने उसे एक्सेलरेट करा तो वो भी इसका एग्जांपल बन सकता है। फ्री फॉल इसका एग्जांपल मैंने क्यों बोला है? क्योंकि फ्री फॉल में एक्सेलरेशन जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है और इसी तरीके से पीक बढ़ता रहता है, ठीक है। कार में ये भी तो हो सकता है आगे जाके ब्रेक ब्रेक लग गई वगैरह वगैरह, अगर लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। चले आगे। यस सर। कहता है दो पैरेलल ट्रैक्स हैं, रन नॉर्थ टू साउथ। ये लो, ये मैंने दो पैरेलल ट्रैक बना लिए, ये दो पैरेलल ट्रैक है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब इनमें दो ट्रेन है, मैं देखता हूं कौन सी कहां पर दे रखी है। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए मूव कर रही है नॉर्थ की तरफ, ट्रेन बी मूव कर रही है साउथ की तरफ, ठीक है। दोनों उल्टा चल रही है, ए मूव कर रही है, रुको अब, ठीक है। ए मूव कर रही है नॉर्थ की तरफ, बी मूव कर रही है साउथ की तरफ, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ए मूव कर रही है 54 किलोमीटर स्पीड से। अब मैं 54 का 5/18 करता हूं तो 15 आता है, 14 कितना आता है? 54 कितने पे आता है? 3 पे तो आता है, 18 3 जा। और दूसरा कौन सा? 90, वो 50 मीटर पर सेकंड, वो कितना आएगा? 25, ठीक है। 18 5 90, 5 5 25। आगे देखो, अब इसके बाद आपके पास वेलोसिटी ए की भी है, वेलोसिटी बी की भी है, ठीक है। अब मैंने अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, वो आपकी मर्जी आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो, मैंने नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना। क्या माना है? पॉजिटिव, जिससे पॉजिटिव रिलेटिव वेलोसिटी। तो बी की तो पॉजिटिव हो गई, ए की नेगेटिव हो गई, ठीक है। आप क्वेश्चन सुनते हैं इसके। पहला क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कर लोगे? यस सर। 40 आ गई? यस सर। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, ग्राउंड तो जीरो होता है, जो गिवन वेलोसिटी है वही आएगी।
और बी की कितनी है -15। ये माइनस का ध्यान रखना, बी की 25 थी। ठीक है बेटा? यस सर। बी की प्लस में भी थी तो आंसर नेगेटिव आएगा। अच्छा तीसरा, तीसरे क्वेश्चन में कहता है वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन। अच्छा ए की, ए ट्रेन के ऊपर एक बंदर दौड़ रहा है और ट्रेन की डायरेक्शन से उल्टा जा रहा है विद अ वेलोसिटी 18 किलोमीटर विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, अब इस केस को समझो। यहां ट्रेन है, ट्रेन जा रही है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ था। ठीक है, ऐड हो जाएगा। ट्रेन जा रही है इधर नॉर्थ की तरफ और जो मंकी है उसके ऊपर वो किधर जा रहा है? मंकी पर ज्यादा जगह नहीं, हमने छोटा सा मंकी बना दिया जितना बना सकते थे। वो जा रहा है इधर उल्टा। सर ये मंकी है कुत्ता है? काम चला ले बेटा इससे। अब वेलोसिटी जो है बेटा ट्रेन की वो तो है मेरे पास -15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मंकी कितनी है? मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए 18 5 by 18 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब तुम जानते हो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, लिख सकता हूँ? यस सर। बोलो बच्चों, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए थी 5 20 और ये है मंकी माइनस -15। ये उधर जाके क्या बन जाएगा 5 -15 यानी कि -10। ठीक है, समझ आया मंकी की वेलोसिटी क्या है? और नेगेटिव साइन का मतलब है मंकी साउथ की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है? अगर ट्रेन नॉर्थ में जा रही है तो मंकी साउथ में जा रहा है। ठीक,